तो दोस्तों, आज अप्रैल की 23 तारीख है और गर्मी फिर से बढ़ने लगी है। बीच बीच में बारिश हुई तो गर्मी से थोड़ा सा बचाव था, लेकिन अब गर्मी फिर से बढ़ने लगी है। तो आज की इस वीडियो में क्या है, मैं आपके साथ अपने गार्डन का एक अपडेट शेयर करने वाला हूँ। बहुत दिन से मैंने अपना जो गार्डन का अपडेट है वो आपके साथ शेयर नहीं किया, लगभग 1 महीने से ऊपर हो चला है। तो कुछ पौधे मैं नए भी लेकर आया हूँ, जिनको मैं अभी अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर से शेयर करूंगा कौन से वो पौधे हैं, क्या प्राइस में लेकर आया। बहुत लंबे समय से मैं सोच रहा हूं कि उन पौधों को शेयर करूं, लेकिन अभी तक जो है वो शेयर नहीं कर पाया। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले ये मेरे छत का एरिया है, जहां पर छत पर मैंने इस बार सब्जियाँ भी लगाई थी और बाकी बहुत से फूलों फलों के जो पौधे हैं इसी छत पर लगे हैं। तो टॉप फ्लोर है, अभी तक मैंने यहाँ पर कोई भी जो ग्रीन नेट है वो इस्तेमाल नहीं की। पौधे इसी तरह से देखिए पूरी धूप में रहते हैं, तो अभी तक इन पर कोई असर भी नहीं हुआ सनलाइट का। क्या क्या इनकी ग्रोथ है, क्या क्या इनके नेम्स हैं, तो इस वीडियो में पूरा बताऊँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा एक सर्वाइवर प्लांट है जिसने सर्वाइव किया इस साल। मतलब ये ऐसी कंडीशन में हो गया था कि शायद ये ना बच पाए। तो कमेंट्स भी आए थे, आपका गुलमोहर का जो पौधा है वो कहाँ गया, तो भाई वो कहीं नहीं गया, वो मेरे पास ही है। ये देखिएगा, इसको मैंने इस साल जो है वो रिपोर्ट किया, शेल्लो ट्रे में इसको लगा रखा था बहुत समय से। तो इसकी जो मेन ब्रांच है वो सूखने लगी थी, लेकिन अभी क्या है देखिए, यहाँ से फिर से इसमें जो नई नई ग्रोथ है वो सर्दी के बाद गर्मी के मौसम में फिर से स्टार्ट हो गई। तो ये देखिएगा, ये मैच्योर प्लांट है, इसकी जो थिकनेस है यहाँ से आपको आइडिया होगी। देखिए बहुत मैच्योर प्लांट है और छोटे से गमले में इस बार मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया था। दूसरी अपडेट है आम के पौधों में। आम के पौधों में क्या है, ये देखिएगा, 3 मैंगो बने थे 2 पौधों में। तो ये बने तो हालांकि 5-6 थे, लेकिन जो 2-3 है वो झड़ गए थे। अब ये 3 मैंगो बाकी रह गए थे, अब धीरे धीरे इनकी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ने लगी है। तो खाने में कैसा होगा ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन खूबसूरती में बहुत खूबसूरत है। छोटा सा देखने में बहुत सुंदर सा लगता है और इनको केवल 14 से 16 इंच के गमलों में जो है वो रिपोर्ट किया गया था। तीसरी अपडेट है गुड़हल हिबिस्कस के पौधे में। ये देखिएगा, इसमें कितने सारे फूल आपको दिखाई देंगे। ये हाइब्रिड येलो डबल है, येलो वाली वैरायटी है, डबल वैरायटी है, इस तरह से गुथा हुआ फूल इसमें रहता है, हाइब्रिड वैरायटी है। तो क्या है, इसमें बहुत समय से परेशानी थी, इस पौधे का जो फ्लावर है वो प्रॉपर नहीं खुलता था। मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर भी किया था। तो इस बार इसको अच्छे से अच्छी मिट्टी के अंदर जो है वो रिपोर्ट किया, तो अभी रिजल्ट आपके सामने है। दूसरा, इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैंने आपको बताया था कि इसको मैं फीड करूँगा, तो वही माइक्रो न्यूट्रिएंट इस पौधे को जो है वो फीड किए गए, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला मुझे। पौधे में देखिए जगह जगह कलियों से, फूलों से ये जो पौधा है भरने लगा। हालांकि इसकी एज लगभग अब 2 से 2.5 साल भी हो चुकी है मेरे पास। एक बहुत ही खास अपडेट है अडेनियम के पौधे की। क्या अपडेट है ये आपको क्लोजली दिखाता हूं, अगर आप अडेनियम से प्यार करते हैं आपको देखने में अच्छी भी लगेगी। तो ये मेरा एक ग्राफ्टेड अडेनियम का पौधा है। देखिए मैंने इसको लगभग कह लीजिए 3-1 साल पहले ग्रो किया था। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि मेरे यहाँ पर इस पौधे में जो है वो थोड़ा सा रूट रोट हुआ है, तो मैंने इसकी जो रूट्स है ये कट कर दी थी, यहाँ से रिमूव कर दी थी। अभी क्या है, पौधा पूरी तरह से जो है वो स्टेबल तो हो चुका है, लेकिन क्या एक चीज़ है वो ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये क्या है, ये ग्राफ्टेड पौधा था। अब यहाँ पर देखिए, इस साइड में तो आपको जो ग्राफ्ट पोर्शन है वो नज़र आएगा, इस साइड में जो नॉर्मल जो ओबिज़म देसी वाला रहता है वो नज़र आएगा। अब क्या हुआ, यहाँ से जब ये ग्राफ्टेड था तो मुझे आइडिया नहीं हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से जो है वो दूसरा ग्रो कर गया, तो मैंने इन दोनों को बढ़ने दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ है कि दोनों बहुत अच्छे से बढ़ने लगे हैं, लेकिन क्या है, मिक्स फ्लावर निकल कर आएंगे। तो इस बार ये देखिएगा, ये जो फ्लावर है ये मल्टी पेटल रहेगा, इधर की साइड में सिंगल आएगा, तो आधा पौधा सिंगल फ्लावर में कन्वर्ट होगा, आधा मल्टी पेटल में, लेकिन दोनों जो है वो पिंक कलर के। उसके अलावा अडेनियम में बाकी सारे पौधों में जो ग्रोथ है वो अच्छे से निकल रही है, सभी में अभी जो कलियां हैं वो निकलना स्टार्ट हुई हैं। देखिएगा सारे में आपको जो नई नई ग्रोथ है वो दिखाई देगी। कुछ पौधे नीचे फर्स्ट फ्लोर पर भी प्लेस्ड हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये देखिए सभी में जो कलियां हैं वो बनने लगी हैं। तो अभी इस सीज़न की पहली जो फ्लारिंग है वो स्टार्ट होगी। ये देखिएगा, ये अरेबिकम में भी जो फ्लावर्स हैं वो खिलने लगेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर भी इसमें जो कलियाँ हैं वो बनने लगी हैं, और कुछ में अभी जस्ट जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हुई है। कुछ ऐसे पौधे भी रहते हैं, वैरायटीज़ ऐसी रहती हैं जो बहुत स्लो ग्रोइंग रहती हैं। तो इसका मेन जो कॉडेक्स है वो तो बहुत मैच्योर है, लेकिन ऊपर से जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। फिर अगली खास अपडेट है वो ये कि जहाँ पर अडेनियम के पौधों में अभी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हुई है, यहाँ पर इनमें जो फ्लावर हैं वो निकलने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर एशियाटिक लिली
बहुत खुश है, कारण नहीं पता मुझे। तो अभी गर्मी के मौसम में ये देखिएगा, इसमें जो कलियाँ हैं वो बनने लगी हैं। हालांकि इसके फ्लावरिंग का जो समय रहता है वो फरवरी मार्च का रहता है, लेकिन अभी अप्रैल के मिड के बाद जाकर इसमें ये देखिएगा अप्रैल का लगभग जो कह लीजिए एंड ही अब बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें कलियाँ जो है वो बनने लगी हैं। और लास्ट ईयर का ये प्लांट है, एक पौधा इसमें जो है वो एक बल्ब मैंने लगाया था काफ़ी समय पहले, लगभग 2 साल पहले। तो एक से कई सारे जो बल्ब हैं वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं और अब इसमें बहुत सी जो फूल हैं वो खिलकर निकलेंगे। फिर गुलाब के पौधों में जो ग्रोथ अपडेट है वो बहुत अच्छी है। गुलाब के सभी पौधे अभी भी इस गर्मी के मौसम में जो वो ग्रो कर रहे हैं। हालांकि फूल जो अब हैं वो बहुत अच्छे या बहुत सुंदर नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ओवरऑल फ्लावरिंग अभी भी चल रही है, ग्रोथ अभी भी है। कुछ कुछ पौधों में जो है वो मरोड़िया रोग निकलने लगा है, तो लेकिन पौधे सभी हेल्दी हैं, इसी चीज़ की खुशी है। पौधे अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं गर्मी के मौसम में भी। और यहाँ पर भी देखिएगा, जिन पौधों को मैंने बड़े बड़े गमलों में शिफ्ट किया था वो भी बहुत अच्छे से जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं इस गर्मी के मौसम में। फिर बारी आती है मोगरा के पौधों की। ये देखिएगा मोगरा में बहुत सी कलियां जो हैं वो बनने लगी हैं, बहुत से फूल खिले भी थे, अब धीरे धीरे जो है वो झड़ने लगे हैं। लेकिन अभी इसका जो सीज़न है वो बिल्कुल स्टार्ट है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो फ्लावर्स है वो प्रोड्यूस करेगा। इस पौधे को भी लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं मेरे पास। इधर अगर बात करूँ तो रात की रानी के मैंने फूल आपके साथ शेयर भी किए थे और वीडियो भी शेयर किया था। तो ये देखिएगा अभी इसका भी ग्रोइंग सीज़न है, और साथ के साथ हमिल्या के पौधे का भी बहुत बढ़िया सा सीज़न चल रहा है। तो ये देखिएगा, ये डुआफ वाली वैरायटी है, बहुत से फूल निकल कर आ रहे हैं। कुछ एक कमेंट्स आए थे कि हर सिंगार के पौधे की अपडेट शेयर कीजिएगा। तो ये देखिएगा हर सिंगार में भी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है, सभी तरफ से इसकी ग्रोथ चल रही है। तो रिपोर्टिंग के बाद मैंने इसकी ट्रिमिंग भी की थी, फिर से इसकी जो नई ग्रोथ है वो निकल कर आई है। तो अभी गर्मी का थोड़ा बहुत इफेक्ट है, ये देखिए पत्तियाँ लाइट ग्रीन कलर में नजर आएंगी, लेकिन ओवरऑल पौधा जो है वो बहुत हेल्दी है। साथ के साथ अभी बोगनविलिया में जो फूल है वो पूरी तरह से लगभग सभी पौधों में झड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पौधों में अभी भी आपको फ्लावरिंग दिखाई देगी। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो फूल थोड़े से कम होने लगेंगे, तो फिर से इन पौधों की जो है वो ट्रिमिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ से जो नई ग्रोथ है वो निकल कर आ रही है, तो फिर से इन पौधों की जो है वो ट्रिमिंग की जाएगी। ट्रिमिंग के बाद फिर से ये घने बुशी पौधे में फिर से डेवलप होने लगेंगे। अगली अपडेट है ये अनार के पौधे की। ये देखिएगा ये ड्वार्फ वैरायटी है अनार के पौधे की। तो यहाँ पर देखिए पहली बार इस पौधे में जो फल हैं वो बनेंगे, पहली बार इसमें जो फूल हैं वो निकल कर आए हैं। कुछ जो है वो झड़ चुकी हैं, मेल फीमेल का थोड़ा सा रहता है इसमें। तो ये देखिए बाकी पौधा बहुत हेल्दी है। सर्दी के बाद अभी कुछ समय पहले इसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हुई थी, तो अभी ये अच्छे से ग्रो करेगा। और ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था मेरी डबल चांदनी के पौधे की अपडेट। ये देखिएगा इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी शेयर किया था, ये भी पौधा बहुत हेल्दी से डेवलप कर रहा है। ये मेरा पाकिस्तानी नींबू है जिसको कुंभकाट बोलते हैं। तो ये देखिएगा इसमें भी बहुत से फूल जो है वो निकलने लगे हैं, तो बहुत जल्द इसमें भी फ्रूटिंग होगी। तो ये देखिए छोटे छोटे आपको फ्रूट सभी से बनते हुए दिखाई देंगे, तो हैवी फ्रूटिंग फ्लावरिंग करता है। और इधर इस वाले स्टैंडर्ड रोज़ में, क्योंकि ये नया लेकर आया था मैं कुछ समय पहले, तो अभी नीचे से बेजल शूट्स निकल रही हैं, तो अभी इसकी जो डेवलपमेंट है वो चल रही है। धीरे धीरे ये नेक्स्ट विंटर तक ये जो पौधा है ये बुशी घने पौधे में डिवेल्प हो जाएगा। पेंसिल कैक्टस की अगर बात करूं तो पेंसिल कैक्टस भी बहुत बढ़िया से डेवलप कर रहा है। देखिएगा इसको इस साल जो है वो रिपोर्ट भी किया था, तो बहुत जल्द ये भी एक बॉन्साई सा दिखाई देगा। और नीम के पौधे में भी ये देखिए रिपोर्टिंग के बाद जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से चल रही है। इधर सेक्शन में मेरे सब्जियां ऑलमोस्ट मैंने हार्वेस्ट कर ली थी जो पहले बार में निकल कर आई थी। अभी फिर से क्या है कि शिमला मिर्च के पौधों में नई नई जो शिमला मिर्च है वो निकलने लगी है, मिर्च के पौधों में नए नए फूल आ रहे हैं, तो मिर्च के पौधों में भी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू है। बहुत सी हरी मिर्च जो है वो मैंने रिमूव भी की थी, दिखाई थी मैंने आपको। एक दो कमेंट्स आए थे कि आपके गमले में केवल एक ही बैंगन है, आपने वीडियो बना दी। तो भाई जब खुशी होती है बैंगन पहला निकल कर आता है, दिल करता है आपके साथ शेयर करूँ, तो मैंने शेयर किया था उस समय पर, लेकिन उस समय पौधा थोड़ा कम एज का था। अभी देखिएगा पौधे की जो एज है वो बढ़ने लगी है, तो कहा गया था कि छोटे गमले में बैंगन नहीं लगेंगे। ये देखिएगा आपके सामने रिजल्ट है, इसी एक पौधे में 4-5 आपको जो बैंगन है वो दिखाई देंगे। तो चलते हैं सब, जब दिल करता है कि लगाया जाए, और कह सकता हूं कि पौधे साथ देते हैं, तो खुद ब खुद जो रिजल्ट है वो भी मिलने लगता है। मेरे पोर्चुलकारी अफ्रा को ट्रिमिंग की रिक्वायरमेंट थी, तो आज ही मैंने जो ट्रिमिंग है वो स्टार्ट की है। लगभग कुछ 5-7 पौधों की जो ट्रिमिंग है वो कर दी है, लेकिन अभी बहुत से पौधों की जो ट्रिमिंग है वो बाकी है। तो देखिए थोड़े थोड़े से ओवरग्रोन प्लांट्स हैं, थोड़े डी शेप हो चुके हैं, तो एक बार अच्छे से इनकी जो ट्रिमिंग की जाएगी, फिर इनमें जो कैनोपी है वो बढ़िया से डिवेल्प भी हो जाएगी। और टिकोमा कंटिन्यू फ्लरिंग कर रहा है। टिकोमा में ये देखिएगा अभी ये ऑरेंज वाली वैरायटी है, जो इसकी मेरे पास येलो वाली वैरायटी है वो नीचे प्लेस्ड है, तो उसको भी आपके साथ शेयर करूंगा बहुत जल्द। तो ये देखिएगा बहुत सुंदर सी हैवी फ्लरिंग ये करता हुआ। इसी तरह से ये अनार की बड़े वाली वैरायटी है, ये देखिएगा इसमें एक जो फल है वो बनने लगा है, बहुत से
फूल भी निकल कर आए हैं, तो क्या रिजल्ट रहेगा टाइम के साथ ये पता चलेगा, लेकिन पौधा ओवरऑल जो है वो हेल्दी है। मुझे लगा था कि मेरा ये नाग चंपा का ये वाला जो पौधा है, ये प्लूमेरिया पोडिका, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसकी जो ब्रांचेज हैं सर्दी के मौसम में सूख गई थी, लेकिन फिर से देखिए इसने जो अपनी ग्रोथ है वो स्टार्ट कर दी है। इसी तरह से अलमंडा बुश में भी जो ग्रोथ है वो बहुत देरी से स्टार्ट हुई, लेकिन अब पौधा फिर से जो है वो सर्वाइव कर चुका है, इस साल फिर से ये भरकर फूल देगा और बहुत जल्द बरसात के आसपास आपको दिखाऊंगा इसमें जो फूल हैं वो खिलने लगेंगे। यहाँ पर चाइना ऑरेंज नारंगी में बहुत सी कलियाँ निकल कर आई थी, उसके बाद अब जो इसमें फ्रूटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी पहले वाले जो फ्रूट हैं वो भी इसमें बहुत से लटके हैं, लेकिन नए नए जो फ्रूट हैं, जो फल हैं, वो भी बनने लगे हैं। और वीडियो का एंड करने से पहले लास्ट में ये देखिएगा, ये मेरे बड़े वाले चंपा के पौधे की वैरायटी, तो ये रेड वाली वैरायटी है, ये देखिएगा इसमें गमले में लगे पौधे में देखिए बहुत सारी कलियां बहुत जल्द खिल जाएंगी। तो आपके कमेंट्स रहते हैं क्या छोटे गमले में ये सर्वाइव करेगा, फूल देगा, तो ये देखिएगा केवल 8 या 10 इंच के गमलों में कितने बेहतरीन ये रिज़ल्ट हैं। और इन पौधों को लगभग 2 साल पहले जो है वो मैंने कटिंग से रेडी किया था, तो अभी एक पौधे में जो कलियाँ हैं वो निकलना स्टार्ट हुई हैं, बाकी 2 पौधों में मुझे इंतज़ार है अभी कलियाँ बनने का। तो इसमें तीनों डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, ये वाली जो है ये रेड वाली है, एक वाइट है और तीसरी एक है येलो वाइट। तो बस दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैवी गार्डनिंग, टेक केयर।